आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करनी शुरू की। तो फिर इस तरह से देखिए कितना डिटेल काम उन्होंने किया इसके अंदर कि जानवर भी पूरे तरीके पूरा नजर आ रहा है। ये अगर आप ये देखें ये जो पूरा नक्शा अगर देखें तो ये क्या है, ये किस चीज का नक्शा है, गाय है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने इवॉल्व करना शुरू किया तो उन्होंने पूरे पूरे इमेजेस बनाने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो फन था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी एक बालूनी ड्रा करनी शुरू की कि उन्होंने पूरी पूरी बालूनी दिखाते थे कि उनके जो रस्में होती थी या उनकी शादी ब्याह के मौके होते थे या कोई त्यौहार होता था तो उसके जब वो सेलिब्रेट करते थे तो फिर इस तरह से सब मिल के ये देखे ना इतना लगता वो तरह तो एक ग्रुप है पूरा एक पूरा ग्रुप है कि जिसको दिखाया हुआ कि ये कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहा है जैसे हमारी ईद है तो ये सब मस्जिद में जाते तो सब इकट्ठे होते हैं। तो ये लगता ऐसे है कि ये उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कोई एक त्यौहार मना रहे थे जिसमें ये सब इकट्ठे थे। विजुअल आर्ट्स, विजुअल से क्या मुराद है, जो पढ़े लिखे हैं लड़के दिखाई देने वाला। विजुअल मीन्स दिखाई देखने वाला, आर्ट्स मीन्स फन देखने वाला, फन जैसे जो हम देखते हैं आप आजकल की दुनिया में उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आती है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स कहते हैं हमारा जो ये मट्टी के बर्तन होते हैं इसको हम मिस का बर्तन बोलते हैं, मिस का नहीं बोलते, चीनी का, चीनी का, शादी गमी ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। तो यहाँ से शुरुआत थी कि भाई कल्चर हमारा ख़त्म हो रहा है, इसमें शक नहीं है कि कल्चर हमारा बिल्कुल जो है ना वो पीक तक गिर चुका है। इसको उठाने के लिए मैं कहता हूँ कि मैं आप इस गवर्नमेंट की के पी गवर्नमेंट की और फिर बिलखसूस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चाहे रिच के नाम से है चाहे किसी भी नाम से है वो उसको ग्रास रूट पे लेके आ रही है तो उसको अप्रिशिएट मैं कहता हूँ कि करना चाहिए कि एक दूसरे की कदर एक बड़े छोटे की तमीज़ फ़र्क जो आज ख़त्म हो रहा है ये क्या था, यही था कि हमारे हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है हमें साइंसी तरक्की भी चाहिए, हमें दुनिया के साथ लड़ना भी है, दुनिया के साथ हमने तरक्की भी करनी है लेकिन साथ साथ में हमने कल्चर को भी साथ प्रमोट करना है।